अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम उर्दू ग्रामर के नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हुए हैं। आज हम ग्रेड फाइव में कौन सा उर्दू ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं आज हम उर्दू ग्रामर में क्या चीज़ और कौन सा नया टॉपिक सीख रहे हैं। दरख्वास्त, आज का हमारा नया टॉपिक है दरख्वास्त यानी एप्लीकेशन। इंग्लिश में हम इसको एप्लीकेशन कहते हैं और उर्दू में हम इसको दरख्वास्त कहते हैं। हम किसी भी चीज़ की दूसरे से जब रिक्वेस्ट करते हैं उसे दूसरे मीनिंग में रिक्वेस्ट भी कहते हैं, या उर्दू में हम इसको दरख्वास्त भी कहते हैं और इंग्लिश में एप्लीकेशन देते हैं, जो कि हम रिटन फॉर्म में अपने किसी भी ज़रूरी काम के लिए एक ऑफिशियल तौर पर दी जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं इंग्लिश में एप्लीकेशन और उर्दू में कहा जाता है दरख्वास्त। दरख्वास्त मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, जो कि प्रिंसिपल को लिखी जाती हैं, अपने हेड को लिखी जाती हैं, अपने सीनियर्स को लिखी जाती हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए भी दरख्वास्त लिखी जाती है। हाई कमिश्नर को दरख्वास्त लिखी जाती है, सैब्रिज के निज़ाम के लिए दरख्वास्त लिखी जाती है, ठीक है, फीस माफ़ी के लिए दरख्वास्त लिखी जाती है, छुट्टी की दरख्वास्त लिखी जाती है, तो बहुत सारी टाइप होती हैं। तो हम अभी सिर्फ एक रेगुलर यूज़ में जो हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं, दरख्वास्त होती हैं, वो डिस्कस करेंगे और वो पढ़ेंगे, उसका पैटर्न देखेंगे, उसे किस तरह लिखते हैं, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक एप्लीकेशन पैटर्न दिया गया है जिसको आपने फॉलो करना है, और इसके नंबर होते हैं यानी स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन के और एंडिंग ऑफ एप्लीकेशन में जो भी आप लिखेंगे उन सब के नंबर होते हैं, और बीच के जो आपका मजमून होता है सब्जेक्ट होता है उसके नंबर अलग होते हैं। तो हम चलिए पैटर्न से सीखते हैं कि दरख्वास्त का पैटर्न क्या होता है। बख़दमत जनाब, यहाँ पर आप स्कूल का नाम लिखेंगे, प्रिंसिपल का लिखेंगे, बख़दमत जनाब एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा अली बेजिंग यानी आपका जो भी स्कूल है, जनाब अली नहायत ही अदब से गुजारिश है बंदा कर रात को, बंदा कर रात को बंदे की जगह आप अपना नाम रख सकते हैं कि मैं अली आपकी क्लास स्कूल की क्लास का तालबे कर रात से बुखार में मुबतला हूँ जिसकी वजह से मैं स्कूल या दफ्तर आने से कासर हूँ। ये एक पैटर्न है, आपको छुट्टी की दरख्वास्त के तौर पर लिखनी है, ठीक है, मेहरबानी फरमा के हम बंदे को एक यौम की इनायत छुट्टी रायत फरमाए। तो इस तरह आपने ये पैटर्न लिखना है, आपकी नवाजिश होगी। उसके बाद आप जिस तरह नीचे दिया गया है आपका नाम, जो मुलाजिम ने जो जिस भी उसमें जमात में है जो भी हैं वो जो भी आपकी का पोस्ट है वो आपने लिखनी है, और नीचे तारीख लिख के अपने दस्तखत करने हैं। तो इस तरह ये एप्लीकेशन पैटर्न है, और आपको नेक्स्ट स्लाइड में वीडियो के ज़रिए भी ये समझाया जाएगा कि इसमें किस तरह एप्लीकेशन लिखी जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपने एप्लीकेशन पैटर्न के जरिए और वीडियो लिंक के जरिए देख लिया, सीख लिया कि एप्लीकेशन किस तरह लिखी जाती है, उसमें स्टार्ट किस तरह किया जाता है और एंड किस तरह किया जाता है, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन किस तरह लिखी जाती है, और अगर किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो उसको किस तरह लिखी जाती है एप्लीकेशन, यानी अपने सीनियर्स को किस तरह अपने काम के लिए या लीव के लिए एप्लीकेशन लिखी जाती है। तो यहाँ पर अपने भाई की शादी में शिरकत के लिए 4 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिखनी है, और यह काम आपने उर्दू ग्रामर की कॉपी में करना है, और इसको अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस भी करनी है वर्बली भी, ठीक है। जब तक नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा नेक्स्ट क्लास में फिर आ जाएंगे, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।